सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं फतेहबाद के गांव समैण में, जो कि पहले हिसार में आया करता। और जो दादी के पति थे रति राम, दादी निमो देवी हमारे गिला बैठी है, 81 साल की है, वो आज़ाद हिंद फौज में थे। तो आज दादी दौरे पहुंचे हैं। दादी दौरे के क्यों उनकी निशानी है, किस प्रकार वे फौज में गए थे, और कुछ साल मतलब ऐसा हो गया था कि वो लापता रह गए थे, मतलब जो अंग्रेज होया करते उस टाइम पे वो काला पानी में जेल में डाल दिया करते, जिसने अंडेमान निकोबार कहा उसने काला पानी कहाया करते। तो दादी पर सारी चीज़ पूछांगे भी किस प्रकार से फिर वापस आया, के बात बताई वहाँ की, तो सारी चीज़ दादी पे पूछने वाले हैं। राम राम दादी। राम राम। ठीक होगी दादी? हाँ ठीक हूँ। वो दादा जो रति राम था आज़ाद हिंद फौज में था, तो जिस टाइम पर दादा रति राम फौज में लग गया था, तो उस दादा की यार रिश्ता मतलब किता और कर रखा था। और जब 7 साल तक दादा नहीं आया, तो मतलब दादा के घर वाला ने मान लिया भी एक उसका निधन हो गया। तो उसके बाद जो दादा खतर जो देख रखी थी उसका ब्याह छोटे भाई गेला कर दिया, दादा के छोटे भाई गेला। लेकिन फिर दादा भी आ गया, फिर दादा जब आज़ाद हिंद फौज से वापस लौट के आया, तो फिर दादी का रिश्ता दादा गेला होया रति राम गेला। हाँ, उम्र में भी काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि दादा 7 साल बाद आया था, दादा और दादी की उम्र में काफ़ी फर्क था, घना फर्क था दादी, घना फर्क था। तो फिर दादी फौजी का ब्याह ही आई। फिर दादी उसके बाद भी जो तेरा ब्याह हो गया उसके बाद भी गया दादा फिर फौज में? नहीं, फिर तो खेती करी। हाँ, घर आ गया। तो दादी देखो जो पहले के आदमी तो फौज फाज में जाना पसंद को ना करया करते, तो फिर भी मेरा दादा फौज में चले गया था। कुछ बूढ़े तो फिर बताया करता आपने भी किस प्रकार तो उड़ रखा अंग्रेजा ने, कड़ा कौन सी जेल में रखा। नहीं कह करता बेटी यार, फिर यहाँ आए भी थे नहीं, कई कई मील पता नांगे काटे थे नांगा देश में था। अच्छा। हाँ, उनका नहीं पाप था भाई, कुछ ले रहे हैं सबास था कुछ था। अच्छा। सिमना में कपड़े की सिमना में 10-10, 15-15 तोड़े सन्ना समिया गया था वो। अच्छा। वो तीन दिखे थी पहला भाई थमने कुछ नहीं मिलता नांगे काट देंगे, वहाँ भी कपड़े उड़े बहुत छतरवा दिए। अच्छा। नांगे काटे थे और आगे कपड़े दिए थे। अच्छा। तो दादी ने बताया दादा ने कि उस टाइम पर जब दादा 7 साल में आया तो कितने कौन सी जेल में रखा? काले पानी कह कर दे बेटी भी जेल जाल दे रहे आदमी। काला पानी। हाँ। सुभाष ने तो चढ़ाक आए थे, कही करता सुबह 5 बजे में चढ़ाक आए थे जाद में। अच्छा, जाद में चढ़ा गया फिर आए थे। हाँ, फिर रोंदे निकले थे और सुभाष भी रोंदे चढ़िया था, निवेले साथियों थोड़ी चढ़िया था, हमने कुछ हमने तो जान भी की क्या। तो दादा आज़ाद हिंद फौज में था दादी, मतलब दादा फिर भी याद कराया करता उन चीज़ों ने भी, मतलब जोड़े के जो साथी थे दादा के लिए याद कराया करता करता, कुछ बात बताया करता दादा उड़े की। पिपरनाथ है, दो काम है नागड़ी। अच्छा। मानता है बड़ी भारी, उस पर जो कर उस पर खड़े कर दिए रणजीत वीर यू भी। अच्छा। दादा भी दो जने ने नहीं बोले यू फूल तोड़ो सांग लगो ठहर दे दिए। इन चीज देखा तो पेरी बेटा भाई कचौड़िया बाडा लग रहा नहीं, अपने इसका सियाब नहीं आप कुकर करा। फिर इन्हें पिपरनाथ की मानता करी, नहीं वो पिपरनाथ तो काटूरे कर तो बता हमने शुद्ध बुद्ध तो दे। इन चीज तो समझा लग सारा पुल तोड़ दिया दो जने। वो दूसरा कित का था दादी? पूरे का था, वो भी आजाद हिंद फौज में था। हाँ, रणजीत। रणजीत। तो उसकी भी बहु जीव है। हाँ, बहु जीव है, जीव है। तो दादी देख उस टाइम पे दादा आया तो मतलब सरकार तो पैसे भी मिल करते कुछ नहीं दिया था, उनके तो नांगे काटे थे इन के नहीं। फिर आया पैथों 100 रुपये बंदे थे, 100 रुपये 10 रुपये। हाँ, फिर बदते फिर बदे। अच्छा। और दादी ई पेंशन मिल रहा है आपने? मिला है। तो वो दादी बात बाद में बंदी है उस टाइम की बंद रही है ना? बाद में बंदी है, उस टाइम तो कौन 10 रुपये थे। तो 10 रुपये दादी का 1 साल मिले? फिर कई साल मिले, अरे दादा मेरे आज दिन 3000 रुपये। अच्छा। तो दादा के मेरे पास फिर बंद होगी ना? और मिलते रहे, बदती रही। हाँ, सरकार ने बधाई यार। तो दादा दादी जो करीब कोई भी काम प्रोग्राम हो या कि 15 अगस्त 26 जनवरी तो बुलावा है आपने? बुलावा है। फतेहबाद भी बुलावा, टवाणा भी बुलावा। अच्छा। अरूर बिस्कुट में बुलावा। अच्छा, सारे को बुलावा, पूरा मान सम्मान कराया।
निशानी बच रही है आप जरा ये कागज को भी दादा की क्या निशानी है। तो एक तो ताम्र पत्थर है, दो हैं, एक ही रहा ये। तो ये देखो मतलब ये जो बंसीलाल मुख्यमंत्री था जिस टाइम पे, ये ताम्र पत्थर स्वतंत्रता सेनानियों ने भेंट करे भेंट गए थे जो आजाद हिंद फौज में थे उस टाइम पे। और चीज भी आपने दिखाओगे, ये देखो इस पे लिख भी रखा है 15 अगस्त 1985 24 सितंबर 1907 जय हिंद। मतलब पहले ही सार मैं आया करता समैन पहले सार आया करता, फिर फतेह बाद जान लग गया वो बुक कर गई है इतना। तो यह बुक है, इस बुक में दादा के बारे में लिख भी रखा है, हर बता भी रखा है कि दादा कद फौज में लग गया था, कद उड़े तो वापिस आया, तो सारी दादा के बारे में इस बुक में लिख भी रखी है। बुक में आपने दिखा दूँ एक बार, तो इस बुक में दादा के बारे में बता रखी है अपने दादा, दादा का फोटो भी है ना इसमें, लिखाड़ी दादा का फोटो एक बार। तो ये सारी चीज़ है, और यो जो अंग्रेजा के टाइम का वो आया करता है, इसमें ब्लैक एंड वाइट पर दिखता तो कौन है इसमें दादा है। हाँ तो इसमें दिखता कौन है, इसमें दिखेगा देखा दादी, ये हाँ दादी पहचान ले बीवी। तो इस बुक में लिख भी रखा है कि दादा कद फौज में लग गया था, एक बार वो निकाली कुड़िया जब लग गया था दादा फौज में, उसमें सारे इसमें है लिख रखा है। तो दादी दो रही बीवी, बहुत सारी निशानी है, ये दो दादी ने सारी संभाल कर रखी है। और सुभाष का जन्मदिन पर जाए कर दे वो फोटो ला दिया बेटे, सुभाष का माड़ा माड़ा गल लाई था हम। अच्छा सारा अच्छा, दो टाइम की रोटी बनिया कर दी और हम जाया कर दे लारे लंदे या माड़ा गल लिया करते सुभाष। और ये देखो ये दादा रति राम के बारे में लिख रखा है कि दादा रति राम कद फौज में भर्ती हुआ था और कब फिर आजाद हिंद फौज में आया, तो सारी डिटेल इसमें लिख रखी है। ये भी दादा ने मिल रहा है। अच्छा इंडियन नेशनल कांग्रेस और उड़ो घुमा दे दिखा दिया वो गुड़े। तो देखो जो मतलब आजाद हिंद फौज में जो दादा ताऊर होया करते, मतलब बहुत कम लोग बच रहे हैं उस टाइम के। दादी है जो उनकी पत्नी है जो युवती बैठी है, दादी की उम्र भी 81 साल होगी है, और दादी भी यूँ है कि चल रही है हिब्बत बड़ी, तो ठाडी है दादी ठाडी ठोडी कुछ नहीं बैठी नहीं दादी एक बच्ची जाता वो गुजर गया 15 दिन दादी मेरे दादा ने कैसा लोगे गुजरे में। हाँ देख रहे कैसा लोग, तो 26-27 साल हो गए दादी। हाँ की हो गया था मेरे दादा का, बीमार था बेटे, बीमार था। अच्छा बुढ़ापा भी था और बीमार भी था। हाँ दादा आप तो उम्र में भी काफी बड़ा था, 85 साल का होगा मेरे, 85 साल का होगा मेरे। हाँ दादी आप तो तगड़ा ही बड़ा था फिर, और वो 45 साल के थे जब शादी हुई है, 20 साल के थे। हाँ जो 45 साल के थे दादा जब शादी हुई, दादी 20 साल की, तो गुणा ही गैप हो गया उम्र में। तो इस मारे मतलब वो अपनी उम्र लेकर मरे हैं, उनकी उम्र पूरी हो रही थी। तो दादी और कुछ कहना चाहो है? और क्या चाहूँ बेटे, भी कुछ नहीं मेरे तो। आगे क्या बेटे हैं? आगे क्या बेटे हैं? 4 पोते, 5 चार हुआ का परिवार में सुख शांति। हाँ 4 पोते, हाँ सुख शांति है भाई। दादी है जो मतलब दादा आजाद हिंद फौज में थे, उनकी सारी निशानी है। दादी ने जो आजाद हिंद फौज की जो पेंशन है वो भी मिल रहा है सरकार की तरफ से, बहुत कम लोग इसे रह रहे हैं जो आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। और देखो पहले जो लोग होया करते, आजकल तो फौज में लगना एक जुनून भी है बड़का का, लेकिन पहले के था भी सरकार ने कहा करते जो बड़े चाचा था वो उन तो बात करते था भी एक धक्के तक पकड़ के ले जाया करते फौज में, बहुत कम आदमी जाया करते। और जो जा रहे थे वे भी एकाधे वे बच्चा कौन रहे असल में, तो क्योंकि दादा की उम्र थी जो काफ़ी थी, दादी इसलिए बच रही है कि दादी की उम्र बहुत कम थी उन तक। तो दादी ने कुछ बात बताई है, दादी का ज़्यादा तो याद नहीं क्योंकि दादी थोड़ी बीमार बीमूर सी रहा है। तो दादी ने जो बात बताई है आपने बताना है कि आपने कितनी जानकारी है इन चीज़ों के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपके आसपास भी कोई ऐसा है कि जो आज़ाद हिंद फौज का परिवार आज भी जुड़ रहा है, उनका परिवार है
जो आज़ाद हिंद फौज में थे, उनका परिवार है आपके आसपास, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बतानी है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।